उज्जैन के माधवनगर पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने नेट बैंकिंग के पासवर्ड से 79 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। फरियादी की शिकायत पर आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। उज्जैन के थाना माधवनगर में पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। माधवनगर CSP डॉक्टर रविंद्र वर्मा ने बताया कि फरियादी की शिकायत पर आरोपी पंकज को गिरफ्तार किया है। फरियादी ने लिखित आवेदन देकर बताया था कि किसी ने उसकी FD से 79 लाख रुपए निकाल लिए थे। घटना की जांच की गई तो पता लगाया गया कि उनका ही परिचित पंकज पचौरी नामक व्यक्ति ने IDBI बैंक में FD अकाउंट खुलवाया था। उसी ने इसके खाते में से रकम निकाली थी। उसने ब्लैंक चेक साइन करवाए थे एवं इनकी जो नेट बैंकिंग है उसकी ID और पासवर्ड लेकर उनके सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए थे। घटना के बाद से ही आरोपी फरार था। सूचना के आधार पर आरोपी को सेठी नगर से पुलिस ने पकड़ा है। जो आरोप लगे हैं वो सही है तुम्हारे ऊपर? पूरी तरह से सही है। पूरी तरह से क्या क्या कितना सही है? पैसे तो निकाले आपने उनका अकाउंट से? जनवरी महीने में जो फरियादी है इस केस में, उन्होंने थाने आकर एक लिखित आवेदन दिया था जिसमें उन्होंने बताया कि हमारा जो FD अकाउंट है IDBI का, उसमें से किसी ने 89 लाख रुपये उसमें से निकाल लिए हैं। जांच करने के उपरांत पाया गया कि इनका ही परिचित पंकज पचौरी, जिन्होंने IDBI बैंक में FD अकाउंट खुलवाए थे, उसी ने ही इनके खाते में से रकम निकाल लिए। उसने ब्लैंक चेक साइन करवाए थे एवं उनके जो नेट बैंकिंग है उसकी यूज़र ID और पासवर्ड लेकर उसने उसके सारे पैसे इनके अकाउंट में से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। घटना दिनांक से ही आरोपी की तलाश थी, लेकिन आरोपी घटना होने के बाद से ही आरोपी फरार था। इसमें हमने मुखबिर की सूचना के आधार पर इसको हमने कल सेठी नगर से गिरफ्तार किया।